हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक से टू जेड। और आज की क्विज का ये पहला क्वेश्चन है, या किसने कहा है कि समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के रूप में होता है। ऑप्शंस हैं टी पार्सन्स, आर के मर्टन, जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज। तो ये इसका आंसर है घा, मैकाइवर एवं पेज का कथन है ये। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। ऑप्शंस हैं सी ए एलवुड, जे जी फ्रेजर, सी बगल, बी मैलिनोवस्की। तो इसका आंसर है घा, बी मैलिनोवस्की। तीसरा प्रश्न है, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु परंपरा की नीचे दिए हुए में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं। तो देखिए चार में से कौन सी हैं, भिन्नता, सजातीयता, निकटता और आत्मनिर्भरता। तो इसका आंसर है आपका खा, तीन और चार, यानी कि निकटता और आत्मनिर्भरता। चौथा प्रश्न है, यह किसने कहा है कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर जाता है, किसका कथन है। तो ऑप्शंस हैं काम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम और मार्क्स। तो इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है खा। पांचवा प्रश्न है, अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जे एच हट्टन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है। ऑप्शंस हैं दलित जातियां, बहिष्कृत जातियां, अस्पृश्य जातियां या निम्न जातियां। तो इसका आंसर है खा, बहिष्कृत जातियां। छठा प्रश्न है, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है। ऑप्शंस हैं गिडेंस, नॉडल, मार्टिनडेल या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका आंसर है आपका का, एंथोनी गिडेंस ने सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में परिभाषित किया है। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है। ऑप्शंस हैं खरिया, चेचू, कादार, उरांव। तो इसका आंसर है घा, उरांव कृषक जनजाति है। आठवां प्रश्न है, किसके प्रकार्यवाद को वैयक्तिक की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, बी मैलिनोवस्की, टी पार्सन्स, आर के मर्टन। तो इसका आंसर है खा, बी मैलिनोवस्की। नाइन्थ प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शंस हैं एस पी नागेंद्र, एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, ल्यू ड्यूमा। तो इसका सही आंसर है खा, एस सी दुबे ने। दसवां प्रश्न है, यह किसने तय किया कि प्रौद्योगिक प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शंस हैं मार्क्स, वेबलेन, ऑकबर्न, सोरोकिन। तो इसका आंसर है खा, वेबलेन, वेबलेन ने दिया था ये। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है डार्विन का बुलडॉग स्पेंसर को कहा जाता है, दूसरा खा है बुर्जुआ मार्क्स वेबर को, मानवता के धर्म का महान पुजारी काम्ट को, आधुनिक समाज का जनक मार्क्स को। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो खा सुमेलित नहीं है, बुर्जुआ मार्क्स वेबर को नहीं, पैरेटो को, पैरेटो को कहा जाता है बुर्जुआ मार्क्स। बारहवां है, सामाजिक विचारक जिसने सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया है। तो ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो
इसका आंसर है गा। इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक एकता प्रत्यय के महत्व पर बल दिया है। 13th क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं मैकावर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, पार्क एवं बर्गेस, डेविस एवं मूर। तो इसका ऑप्शन है सही पार्क एवं बर्गेस, गा वाला। 14th क्वेश्चन है, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी किसने प्रारंभ किया? ऑप्शंस हैं स्मॉल, सिमेल, दुर्खीम, कूले। तो इसका आंसर है का, स्मॉल। 15वां क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन का लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आर के मार्टन, टी पार्सन्स, पी ए सोरोकिन, सी एच कूले। तो इसका सही आंसर है गा, पी ए सोरोकिन की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन।